नए साल में रेजोल्यूशन, गोल सेट, ये सब की बातें तो सब करते हैं, लेकिन करना कैसे है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, वे क्या है, ये कोई नहीं बताता। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कंचन गाबा, आपकी दोस्त। आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, मज़े में हैं। आज न्यू ईयर है, सबको न्यू ईयर की बहुत ज़्यादा बधाई। आपका नया साल बहुत अच्छा जाए, खूब खुशियाँ कमाओ, बहुत धन कमाओ। मैं ईश्वर, अल्लाह, भगवान, क्राइस्ट, उनके आगे आप सब के लिए, मेरे परिवार के लिए यही प्रेयर करती हूँ। और आज का वीडियो शुरू करती हूँ। जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनको मैं बता दूँ, मैं डॉक्टर कंचन गाबा, आप हमारा परिवार का हिस्सा बन सकते हैं नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गोल सेट करने के लिए तो सब कहते हैं, लेकिन करना कैसे है ये कोई नहीं बताता। उसकी मेथडोलॉजी क्या है, कौन से वे से आप गोल सेट करें ताकि आप उस गोल तक पहुंच सके, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर गोल सेट्स के आउटकम के आपको नियम्स नहीं पता होंगे तो आप उस गोल तक पहुंच नहीं पाओगे। तो इसलिए मेरा प्रयास ये था कि आप लोग आज रेजोल्यूशन बना रहे होंगे, गोल सेट कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप गोल्स लिखें, जब आप न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाएं, तो किन चीज़ों का ख्याल रखें, क्या क्या सोच के गोल्स बनाएं ताकि आप साल के आखिर तक उन गोल्स तक पहुंच सकें। रूल नंबर 1, आपका गोल पॉजिटिव होना चाहिए, मूविंग फॉरवर्ड होना चाहिए, कभी भी मूविंग बैकवर्ड नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब बनता है? जो आपका गोल होगा उसमें कोई पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आप कहते हैं मैं शुगर कम करना चाहता हूँ, मैं डायबिटीज कम करना चाहता हूँ, ये आपका पॉजिटिव गोल नहीं है, आपका ये नेगेटिव गोल है। नेगेटिव गोल कभी भी पूरा नहीं होता है। अब आपको क्या कहना चाहिए? मैं हेल्दी होना चाहता हूँ। हेल्दी होना एक पॉजिटिव गोल है। आप कहते हैं मैं वजन कम करना चाहता हूँ, इट्स अ नेगेटिव गोल। आप कहिए मैं स्लिम होना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप कह रहे हैं मैं वेट कम करना चाहता हूँ, आपके दिमाग में वेट की ही छवि बन रही है। मैं अगर कहूँ कि हाथी को मत देखो, ओहो आप फिर हाथी ही देख रहे हैं। तो इसलिए आपके सबकॉन्शियस को बताना होगा कि आप एक्चुअली चाहते क्या हैं, और हम अपने सबकॉन्शियस को क्या बताते हैं, हमें क्या नहीं चाहिए। तो फिर वो आपको कैसे देगा? आप सबकॉन्शियस को बताइए आपको चाहिए क्या। नंबर 2, आपका गोल बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। मान लिया कि आप 2022 में बहुत ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं, कितना? अब मान लीजिए जो एक ऑटो वाला है, उसके लिए धन कमाने का मतलब हो सकता है कि एक ऑटो से 3 ऑटो हो जाए, आपका गोल तो कुछ और होगा। अब मुकेश अंबानी ये थोड़ी सोचेगा कि मेरे 3 ऑटो हो जाएं। तो आपको धन अगर चाहिए तो कितना चाहिए, ये तय करना ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं, स्लिम होना चाहते हैं, तो आप कितना वेट लूज करना चाहते हैं, वो स्पेसिफिसिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी तो आपको सबकॉन्शियस देगा। नंबर 3, आपके गोल्स के एविडेंस होने चाहिए। क्या मतलब? आप मान लीजिए कलकत्ता से दिल्ली जाना चाहते हैं बाय कार। अब आपको पता है रास्ते में बनारस भी आएगा, लखनऊ भी आएगा, मुगल सराय भी आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि आप सही रास्ते से जा रहे हैं, आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। वैसे ही आप जब गोल बनाते हैं तो उस गोल के रास्ते में क्या क्या माइलस्टोन्स आएंगे, ये आपको जानने ज़रूरी हैं, तब आप समझेंगे ना कि आप आखिर तक सही गोल पर पहुँच सकेंगे। मान लीजिए कि आपने कहा कि इस साल मैं अपना टर्नओवर बिजनेस का 50 लाख से 2 करोड़ करना चाहता हूँ, तो 2 करोड़ आपके दिसंबर में अचानक से थोड़ी हो जाएगा, और उसके लिए आपको क्या क्या कदम उठाने होंगे। मान लीजिए कि आपको उसके लिए 10 नए कस्टमर चाहिए, अब आपके पास 7 कस्टमर आ गए,
अब आप जान सकते हैं कि हाँ आप सही रास्ते में चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये सोचिए कि आपको उस गोल को अचीव करने से रोक क्या रहा है। आप कहेंगे अरे गोल अचीव करने को कौन रोक सकता है। मैं कहती हूँ गोल अचीव करने को आपको कोई रोकता है, इसीलिए आप गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए एक सास है, उसके हाथ पांव में बहुत जॉइंट्स पेन रहता है, वो चाहती तो है हेल्दी होना, लेकिन उसके दिमाग में पता है क्या चलता है, अगर मैं हेल्दी हो गई ना घर का काम करना पड़ेगा, फिर तो बहू मेरे से भी काम कराएगी, अब वो हेल्दी कभी नहीं हो पाएगी। इसे कहते हैं इकोलॉजी। तो आप भी अपनी इकोलॉजी ढूंढिए कि आपको गोल पे रीच करने के लिए क्या रोक रहा है, आपका मन का क्या पॉजिटिव इंटेंशन है ताकि आप उस गोल पे रीच ना कर पाए। है ना मजे की बात, ये चीज़ों को हम सोचते ही नहीं हैं। इसलिए मैं शुरू में ही कह रही थी कि गोल कैसे सेट करना है, उसके क्या रूल्स हैं, आपको पता होने ज़रूरी है। नेक्स्ट, आपका गोल के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं स्लिम तो होना चाहती हूँ लेकिन क्या करूँ, मेरे लोकेलिटी का जिम तो बंद हो गया है। अरे भाई आप घर में भी तो योगा वगैरह कर सकते हैं। आप अपने गोल को पूरा कैसे करेंगे उसकी स्ट्रैटेजी, उसका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आपके गोल फुलफिलिंग का कंट्रोल किसी और के हाथ में है तो वो गोल कभी भी पूरा नहीं होता है। नेक्स्ट, अपने गोल को चंक डाउन करिए, मतलब छोटे छोटे गोल में डिवाइड कीजिए कि जनवरी में आप क्या अचीव करेंगे, मार्च में आप क्या अचीव करेंगे, जून में क्या अचीव करेंगे। जब आप छोटे छोटे गोल्स को अचीव कर लेते हैं तो आपके माइंड को विश्वास हो जाता है कि हाँ अब आप सही रास्ते में चल रहे हैं और आप एक दिन अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। तो अपने गोल तक पहुंचाने के लिए अब माइंड बहुत जल्दी 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 काम करता है। और फाइनली एक्शन लेना है, ये तो आपको पता ही है। आप स्लिम होने का सपना देखेंगे और 24 घंटे में 18 घंटे सोएंगे, बहुत खाएंगे, तो आप स्लिम नहीं हो सकते। सो यू हैव टू टेक एक्शन। अब मैंने आपको रूल्स तो बता दिए, आप कहेंगे इन रूलों को तो फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं मानती हूँ है डिफ़िकल्ट, क्योंकि कहने से हो नहीं जाता। आपको भी पता है कि प्रेशर 120/80 होना चाहिए, डॉक्टर भी कहते हैं, पर होता है क्या? आप कोशिश करते हैं, नहीं होता है। आपको भी पता है डायबिटीज़ 100 होनी चाहिए, नहीं होता है, आपको दवाई लेनी पड़ती है। तो इसीलिए आप गोल्स तक कैसे पहुंच सकते हैं, इन रूल्स को आप कैसे फॉलो कर सकते हैं, आपको मैं वेबिनार में करवाऊंगी विजुअलाइजेशन, आपके सबकॉन्शियस तक डालूंगी इन गोल्स को। और जनवरी में मैं बहुत अच्छे अच्छे वेबिनार लेके आ रही हूँ। आप अगर सही में चाहते हैं अपने गोल को अचीव करना 2020 में, तो डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म जा रहा है, जो टेलीग्राम लिंक जा रहा है, उनको अभी भर दीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आई एम वेरी श्योर आप उनको मिस करना नहीं चाहेंगे, और बहुत लिमिटेड सीट्स होंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बहुत भीड़ हो और मैं सबको पर्सनली हैंडल कर ना सकूं। तो इसलिए जल्दी 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 अभी फॉर्म भर दीजिए ताकि जब मेरा वेबिनार आए आप उसको ज्वाइन करके, ओ हाँ वो वेबिनार बिल्कुल फ्री होगा, तो फिर देर किस बात की, अभी उनको भर दीजिए गूगल फॉर्म को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वेल स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।